मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित गरहा से हथियार के साथ एक पूर्व मुखिया को गिरफ्तार किया गया। वो अपने साथियों के साथ लग्जरी कार में दरभंगा फोर लेन से आ रहे थे। इस दौरान मुखिया सहित दो अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुचहां प्रखंड के बुताने पंचायत की पूर्व मुखिया मोहम्मद नूर आर्यन और हरिशंकर के रूप में हुई है। इस मामले की पुष्टि एएसपी नगर अवधेश सरोज दीक्षित ने की। उन्होंने बताया कि गरहा ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी के इलाके में सघन वाहन जांच चल रही थी। इस दौरान दरभंगा की ओर से आ रही लग्जरी कार को रुकने का इशारा किया गया। शक के आधार पर जब तलाशी ली गई तो उनके पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किया, जिसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने समस्तीपुर से हथियार खरीदने की बात बताई। आगे पुलिस उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही हथियार बेचने वाले के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल शाम 8 बजे के आसपास गड़ा ओपी अंतर्गत गड़ा ओपी अध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ में बाइक चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक उजले रंग के एक्सयूवी का मूवमेंट इन्होंने देखा, जो थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसका सस्पिशन के बेसिस पे जब उसको उसका पीछा किया गया और उसकी चेकिंग की गई, तो उसमें पाया गया कि तीन व्यक्ति थे। एक मोहम्मद नूर खां है, जो पूर्व भूचा प्रखंड अंतर्गत भूतानी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। एक आर्यन है, एक हरिशंकर हैं। ये तीनों व्यक्ति थे जो समस्तीपुर वाली साइड से आ रहे थे, और चेकिंग के क्रम में पता लगा कि इनके द्वारा वेपन एक कैरी किया जा रहा था। एक देसी पिस्टल था, एक मैगजीन थी और दो कार्ट्रिजेज थे। इन तीनों से जब इसके संबंध में पूछताछ की गई तो पता लगा कि इनके द्वारा ये हथियार समस्तीपुर से खरीद करके लोग लेके आ रहे थे और इसको अपने पोजीशन में इन्होंने रखा हुआ था। इनका कल की इंक्वायरी में पता लगा कि इनमें से जो पूर्व मुखिया हैं मोहम्मद नूर खां, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और अलग अलग थाना अंतर्गत अहियापुर हथौड़ी थाना अंतर्गत इनके द्वारा पहले भी इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। सर, क्या घटना को अंजाम देते थे? अभी इंक्वायरी का विषय है, अभी इनसे पूछताछ की जाए। वेपन पर रखने का उद्देश्य या लूटपाट भी हो सकता है? हो सकता है लूटपाट भी हो सकता है या फिर दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड सही नहीं रहा है अपने एरिया में। इनका शुरू से इनकी एक्टिविटी सस्पिशियस रही है। उनके साथ जो दो और हैं उन लोगों का कुछ। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।